गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अभी मैं फिलहाल बिजली का बिल भरने आया था, ऑनलाइन भी भर सकता था मैं, बट एसबीआई वालों का सर्वर कभी नहीं, जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम होगा कभी नहीं चलेगा गाइस, कभी नहीं, मेरा तो कभी नहीं चलता, बाकी तो आप लोगों का पता नहीं। और जरा बिजली का बिल भरता हूँ फिर करता हूँ आपसे बात। ऑफिस कार्यालय बंद है, गाइस वहाँ पे लिखा हुआ ऑफिस कार्यालय बंद है, 3 मई तक ऑफिस कार्यालय बंद रहेगा। अबे यार वैसे मेरी लास्ट डेट बिजली के बिल की 1 मई है, अब फाइन चढ़ेगा शायद। इस सब में पंप नहीं आता, चेस्ट में आया था, शोल्डर बैक सब में पंप आया था, बट बाइसेप्स नहीं आता। तो सोच रहा हूँ कि 10-10 किलो के एक सेट ले लूँ डंबल का। तो बाकी चलते हैं देखते हैं, अगर मिल जाए सस्ता तो ले लेंगे, नहीं मिला तो देखते हैं क्या होता है, किसी से उधार मांगेंगे। तो गाइस दुकान ही बंद है, वही जो डंबल की इक्विपमेंट की दुकान है वही बंद है, बाकी सब खुला हुआ है, बाकी सब खुला हुआ है, वही दुकान बंद है। वो पता था साला वही यही होगा। चलो अब घर चलते हैं और क्या कर सकते हैं। गाइस भीड़ देखो, भीड़ लग रहा है कहीं से लॉकडाउन, सब चल रहा है, सब खुला हुआ है, ये दुकान सारी दुकानें खुली हैं, बस एक वो मेरा इक्विपमेंट की दुकान है बस वही बंद है, बाकी सब खुला हुआ है। अलग किस्मत ही क्या है बे। एक बनाना भाई। गाइस मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि हमारे 100 सब्सक्राइबर हिट हो गए, गाइस थैंक यू सो मच, बहुत यूट्यूबर के लिए छोटी बात है पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही करा था और हमारे 100 सब्सक्राइबर हिट हो गए, थैंक यू सो मच गाइस। नहा धो के हो चुका मैं रेडी, और अभी फिलहाल जब भी आप बाहर जाओ तो घर में आके नहा लो, क्योंकि आपके साथ बहुत सारे वायरस आ जाते हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपके घर वालों को किसी को कुछ हो। और डंबल मिले नहीं, दुकानें बंद है, दुकानें नहीं सिर्फ एक मेरी इक्विपमेंट की ही दुकान बंद थी, और बाकी देखते हैं 2-3 दिन बाद फिर ट्राई करूँगा, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, वरना अपने दोस्त से बोरो कर लूँगा 3-4 दिन के लिए, तो अगर मिल जाए तो अच्छा है, मिल ही जाना चाहिए, 2-3 दिन बाद फिर ट्राई कर लूँगा, अगर खुल जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं खुलेगी तो अपने दोस्त से ही बोरो करूँगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पे डंबल नहीं है, मेरे पे डंबल हैं, अराउंड 3 से 5 kg के बीच में मेरे पास डंबल हैं, वो तो उनसे वो पंप नहीं आता, आता है पर रेपिटेशन थोड़े ज़्यादा बढ़ाने पड़ते, तो मेरे को मज़ा नहीं आता ज़्यादा रेपिटेशन में, मैं जितने कम हो सके उतने कम रैप करता हूँ, 8 से 10 के करीब रैप करता हूँ। बज रहे हैं 5 और मैं लेता हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, मैं वर्कआउट से अराउंड 10 से 15 मिनट पहले वर्कआउट के ब्लैक कॉफ़ी लेता हूँ, क्योंकि उसमें अच्छा अमाउंट ऑफ कैफीन होता है जो आपके वर्कआउट को बूस्ट करता है। और आज है मेरे लेग्स और HIIT ट्रेनिंग, HIIT जिनको ऑलरेडी सबको पता ही होगा HIIT क्या होता है, HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, जिसमें 45 मिनट तक विदाउट एनी ब्रेक आपको वर्कआउट करना पड़ता है। तो आज मेरे लेग्स भी हैं और HIIT दोनों एक साथ हिट करूँगा मैं, देखते हैं मज़ा आएगा या नहीं आएगा, वैसे तो वाट लेगी जहाँ तक मुझे पता है। कॉफ़ी पी के करता हूँ वर्कआउट स्टार्ट, और फिलहाल अभी इसमें कुछ नया भी बनाऊँगा और फिर पीऊँगा, थोड़ा स्टाइल के लिए निकाला था बस। वर्कआउट हो गया है मैं डन, और टी शर्ट भी मैंने चेंज कर ली, और पोस्ट मील में मैं लूँगा 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 whole egg, 4 egg whites और 1 scoop ऑफ पीनट बटर। पीनट बटर थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि जो कैलोरी डेफिशिट में चल रहे हैं उनको थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है, क्योंकि एक 1 scoop ऑफ पीनट बटर में अराउंड 100 calories आपको मिल जाती है, 100 के करीब मिल जाती है, तो थोड़ा सोच समझ के खाना पड़ता है उसे। और गाइस व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।